अगर किसी कुत्ते को मरवाना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो कुत्ता पागल है, और अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो इंसान देशद्रोही है। वेल, ये डायलॉग मेरा नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेलर देखा रॉकेटरी मूवी, और ये जो डायलॉग है ये सिर्फ डायलॉग ने मुझे इंस्पायर नहीं किया, बल्कि जिस इंसान के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म आ रही है उस इंसान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वेल, इस इंसान के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था, बट आज इस इंसान की स्टोरी आपको इंस्पायर करने वाली है। ये वही इंसान है जिसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए, एक ऐसा रॉकेट साइंटिस्ट जिसकी ना सिर्फ प्रोग्रेस को रोका गया, करियर को तबाह किया गया। Bastards. ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएसए। जब इसके ऊपर एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन हुई 1994 में, उस इंसान को अरेस्ट किया गया, और 1996 में सीबीआई कहती कोई प्रूफ ही नहीं है। दो साल तक मारा गया, पीटा गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, उसके बाद बोल रहे हैं जी कोई प्रूफ ही नहीं है, ये तो देशद्रोही है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इन्हें केरल गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए को कॉम्पनसेशन देना है। और केरल गवर्नमेंट इस फैसले से इतनी खुश हो जाती है कि 50 लाख का कॉम्पनसेशन नहीं देती, 1,30,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देती है। क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना तो हो सकता है आपने नंबी नारायण के बारे में भी ना सुना हो, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसरो के एक ऐसे साइंटिस्ट जो लीड कर रहे थे इसरो में क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट को। आपको पता है जो हमारा इसरो है वो पाकिस्तान के सुपरको से 8 साल बाद शुरू हुआ, और पाकिस्तान ने 8 साल पहले हमसे शुरुआत करी, बट कितनी सैटेलाइट्स भेजी आज तक? सिर्फ 2 स्पेस के अंदर, और हमारे इसरो ने 65। आपको पता है नेक्स्ट सैटेलाइट पाकिस्तान का भेजने वाला है स्पेस 2040 में, और इसरो तब तक दोबारा से एक बार मंगलयान भेज देगा, दोबारा से वो हो सकता है चंद्रमा पे भी पहुंच जाए, और हम वीनस तक पहुंचने वाले हैं 2040 तक की हमारी प्लानिंग है। हमारा जो इसरो है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले 40 साल में इसरो ने जो खर्चा किया है नासा उतना हर साल खर्चा कर देता है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं उन्हें लगातार ऑफर्स आते हैं, उन्हें लगातार ऑफर्स आते हैं कि नासा में आके काम करो, बट ये लोग वो नहीं है जिनके पास कभी नासा का ऑफर आया नहीं है, इन्होंने अप्लाई किया जी नासा ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोग वो हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया कि हम अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए काम करेंगे। बट जब ऐसे लोगों के ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो के बाद आपको अपने दिमाग को यूज करना है। जब हम किसी को अच्छा मानते हैं तो उसके मंदिर बनवा देते हैं, और जब किसी को बुरा मानते हैं तो रातों रात उसे देशद्रोही बोल देते हैं। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। 1994 में जब नंबी नारायण लीड कर रहे थे इंडिया के इसरो को, वो नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजीज को प्लान कर रहे थे, हमारी डील्स हो रही थी रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, स्कॉटलैंड के साथ। आपको पता है उस टाइम पे इसरो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बट यूएस को यह मंजूर नहीं था, और भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्हें मंजूर नहीं था कि इंडिया आगे बढ़े। इंडिया आज नासा से आगे निकल सकता था अगर ऐसे फेक एलिगेशंस नहीं लगते। मालदीव्स की 2 लेडीज को अरेस्ट किया गया, उन लेडीज का नाम था मरियम रशीदा और फौजिया हुसैन। इनके पास से जब इन्हें अरेस्ट किया गया मिलते हैं रॉकेट डिजाइन जो इसरो के थे, और ये बोल देती हैं कि ये रॉकेट डिजाइन हमें नंबी नारायण ने दिए, बस इतना ही बोलती है। और इनका प्लान था कि हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को ये डिजाइन बेचेंगी और उसके बाद बहुत पैसा मिल जाएगा। तो ये जो फेक एलिगेशंस लगाए गए, इन फेक एलिगेशंस की वजह से नंबी नारायण को घर से उठा दिया। 50 दिन तक तो उन्हें जेल में रखा, और 2 साल तक क्या मार पिटाई हुई है उनकी। आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक फील मिलेगा, बट जब इंसान वो सहता है ना वो सह नहीं पाता। आपको पता है नंबी नारायण ने ऐसे फेक एलिगेशंस के बाद सुसाइड अटेम्प्ट तक किया, बट उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया कि नहीं हमें लड़ना है, अगर हमने गलत एक्शन ले लिया तो लोग हमें गलत ही समझेंगे, जब हम गलत है ही नहीं तो हम लड़ेंगे। और उन्होंने लड़ा, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ना सिर्फ बेगुनाह बोला, ना सिर्फ कॉम्पनसेशन दिया, उन्हें पद्म भूषण तक दिया। तो आपको ये जो स्टोरी है ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आज जो हमारा यूथ है ये इंस्पायर हो। जहां पे आज बच्चे सोच रहे हैं ना हम तो सीधा विदेश चले जाएंगे, वही इंडिया के लिए कौन कंट्रीब्यूट करेगा। हमारा मिशन है कि हम इंडिया में सेल्फ मेड लीडर्स प्रोड्यूस करें, एंड नंबी नारायण इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेल्फ मेड लीडर, अ सेल्फ मेड मैन जिन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया। जब इंडिया पे पैसा नहीं था,
जो रॉकेट के पार्ट्स थे आपको पता है वो बैलगाड़ी में साइकिल पर रख के जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बोला है कि हम उस टाइम पे काम करते थे जब रॉकेट के पार्ट्स हम साइकिल पे लेके जाते थे। तो ऐसे लोगों ने जहां से जीरो से शुरू किया और आज हमें चांद पे मंगल तक पे पहुंचा दिया, तो ऐसे लोगों की हम तारीफ क्यों ना करें। जब पूरा वर्ल्ड US, रशिया, फ्रांस 6,000 किलो के इंजन बना रहा था, नंबी नारायण जैसे साइंटिस्ट 600 किलोग्राम के इंजन बना रहे थे। आपको पता है US ने हमारी डील को जो रशिया के साथ हो रही थी 1990s में 235 करोड़ की, रशिया को फ्रांस ने ऑफर किया कि उसी डील के हम 650 करोड़ देंगे, इंडिया के साथ डील मत करो। US ने बोला तुम फ्रांस के साथ भी मत करो, इंडिया के साथ भी मत करो, मैं 950 करोड़ रुपए दूंगा। बट रशिया इंडिया के साथ डील करना चाहता था, बट दबाव डाला गया कि इंडिया आगे ना बढ़े, इंडिया को रोका जा रहा है। बट इंडिया के अंदर ऐसा टैलेंट था कोई लाख रोक ले, बट नंबी नारायण जैसे लोगों ने फिर भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के साथ इंजन डेवलप किया, जो आज विक्रम इंजन हमारे चंद्रयान में यूज हुआ, आज हम मंगल पे जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये हमारे साइंटिस्ट की देन है। तो क्यों ना इन साइंटिस्ट को प्रमोट किया जाए। देखिए ऐसी बायोग्राफी मूवीज जब आती है ना इन्हें जरूर देखा कीजिए। आप जो मसाला देखते हैं ना वही लड़कियां, वही ड्रामे, वही आपकी अफगान जलेबी, ये कितना देखोगे। जो एक्चुअल में इंस्पायर करता है उसे देखो, उससे इंस्पिरेशन लो, प्रेरणा लो और जिंदगी में कुछ बनो। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बी, आई वांट यू टू बी सेल्फ मेड। एंड शेयर दिस वीडियो राइट नाउ जिससे और लोग भी इंस्पायर हो, ऐसे लोगों के बारे में जाने जिन्होंने इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया। दुनिया से कोई भी ऑफर आया उन्होंने रिजेक्ट किया और हमारे भारत के लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, भारत की शान बढ़ाई। तो आप